नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दे दें, आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हो गया है। दिल्ली एम्स में रघुवंश प्रसाद सिंह ने आखिरी सांस ली है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको हम दे दें, बिहार के सियासत से जुड़ी खबर है। रघुवंश प्रसाद सिंह ने दिल्ली एम्स में आखिरी सांस ली है। रघुवंश प्रसाद सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए थे, फिर भी उन्होंने कोरोना से जंग जीत लिया था। लेकिन वे पिछले एक सप्ताह से दिल्ली एम्स के आईसीयू में भर्ती थे, बीमार चल रहे थे और अब उन्होंने आखिरी सांस ली है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, बिहार में चुनावी साल भी, और चुनावी साल में कह सकते हैं कि आरजेडी को एक बड़ा झटका लगा है। साथ ही बिहार की सियासत के एक सियासी धुरंधर अब हमारे बीच नहीं रहे। सबसे बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, रघुवंश प्रसाद सिंह यानी कि लालू प्रसाद यादव के हनुमान, लालू प्रसाद यादव के सबसे करीबी नेताओं में एक। आपको याद होगा जब रघुवंश प्रसाद सिंह ने 10 सितंबर को लालू प्रसाद यादव को एक चिट्ठी लिखा था, तब लालू प्रसाद यादव ने उस चिट्ठी का जवाब दिया था कि आप कहीं नहीं जा रहे हैं, आप हमारे परिवार के सदस्य हैं, सारी बातें आपस में बैठकर हम लोगों ने किया है और इस मुद्दे पर भी आपस में बैठकर बात करेंगे, आप ठीक तो हो जाएं। रघुवंश प्रसाद सिंह ने अपने इस्तीफे की पेशकश की थी राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है, देखिए, रघुवंश प्रसाद सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। बिहार के सियासी गलियारों में शोक की लहर है। रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन से ना सिर्फ आरजेडी को बल्कि बिहार के सियासत को एक बड़ा नुकसान पहुंचा है। बिहार का एक सियासी धुरंधर अब हमारे बीच में नहीं है। देखिए, रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन पर लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट कर शोक प्रकट किया है। लालू प्रसाद यादव ने क्या लिखा है, हम आपको पढ़कर बता रहे हैं। देखिए, लालू प्रसाद यादव ने लिखा है, प्रिय रघुवंश बाबू, ये आपने क्या किया, मैंने परसों ही आपसे कहा था कि आप कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप इतनी दूर चले गए। निःशब्द हूँ, दुखी हूँ, बहुत याद आएंगे। लालू प्रसाद यादव ने लिखा है, आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव ने रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन पर शोक प्रकट करते हुए उन्होंने लिखा है, प्रिय रघुवंश बाबू, आप कहाँ चले गए, आपने क्या किया। तो समझ सकते हैं कि बिहार के सियासत में शोक की लहर है। सभी मरमाहत हैं, चाहे जनता दल यूनाइटेड हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, शोक की लहर सबों के लिए है। रघुवंश प्रसाद सिंह वो नेता थे जो लगातार 5 बार वैशाली लोकसभा सीट से सांसद भी रहे, केंद्रीय मंत्री भी रहे, और अब लालू प्रसाद यादव के वे काफ़ी करीबी हनुमान थे। लालू प्रसाद यादव ने उनके निधन पर शोक प्रकट किया है। लालू प्रसाद यादव ने शोक प्रकट करते हुए लिखा है, प्रिय रघुवंश बाबू, ये आपने क्या किया है, मैंने परसों ही आपसे कहा था कि आप कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप इतनी दूर चले गए। निःशब्द हूँ, दुखी हूँ, बहुत याद आएंगे। लालू प्रसाद यादव ने शोक प्रकट करते हुए लिखा है, निःशब्द हूँ, दुखी हूँ, आप बहुत याद आएंगे। साथ ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी ने भी शोक प्रकट किया है। देखिए, तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा, राजद के मजबूत स्तंभ प्रखर समाजवादी जनक्रांति पुंज हमारे अभिभावक पथ प्रदर्शक आदरणीय श्री रघुवंश बाबू के दुखद निधन पर मर्माहत हूँ। आप समस्त राजद परिवार के पथ प्रदर्शक, प्रेरणा स्रोत व गरीबों की आवाज बने रहें। आपकी कमी राजद व देश को सदैव खलेगी। आप समझ सकते हैं, आरजेडी ही नहीं देश को भी रघुवंश प्रसाद सिंह की कमी खलेगी। आज हिंदुस्तान का एक ऐसा सियासी धुरंधर जिसने एक सूबे के सियासत में ऐसा साम्राज्य स्थापित किया कि कई वर्षों तक सत्ता पर काबिज रहे और बिहार में उन तमाम वांछित शोषितों की आवाज़ बनकर उभरे, वो रघुवंश बाबू अब हमारे बीच नहीं रहे। रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन पर सभी दल के लोग मरमाहत हैं, लेकिन खासकर आरजेडी को यहाँ बड़ा झटका लगा है। आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव ने भी शोक प्रकट किया और उन्होंने पूछा है कि आपने ये क्या किया। आपको बता दें कि रघुवंश प्रसाद सिंह इन दिनों आरजेडी से नाराज चल रहे थे, रघुवंश बाबू खफा चल रहे थे और उन्होंने इससे पूर्व भी इस्तीफे की पेशकश की थी रामा सिंह की एंट्री को लेकर, लेकिन तब रामा सिंह की एंट्री आरजेडी में रोक दी गई थी।
रघुवंश प्रसाद सिंह आरजेडी के लिए क्या है, आप इतना से ही समझ सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने अब लिखा है कि आपने क्या किया। उन्होंने चिट्ठी में भी जिक्र किया था, आप स्वस्थ होकर लौटे फिर हम बातें करेंगे, आप हमारे परिवार के सदस्य हैं। तो रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन पर बिहार के सियासी गलियारों में शोक की लहर है। रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन पर जेडीयू के सी त्यागी ने कहा है कि एक अपूर्णीय क्षति है, उन्होंने भी शोक प्रकट किया है। तो जेडीयू के सी त्यागी ने शोक प्रकट किया है रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन पर। बिहार के सियासत में कह सकते हैं, बिहार के सियासत में शोक की लहर है। रघुवंश बाबू अब इस बीच नहीं रहे, आरजेडी को कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका भी लगा है, तो वही चुनावी साल है। चुनावी साल में रघुवंश बाबू का छोड़ जाना क्या कुछ होगा, ये देखने वाली बातें होगी। फिलहाल टुडे बिहार न्यूज़ के साथ आप बने रहे, लगातार बिहार चुनाव से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों के साथ साथ देश दुनिया की तमाम बड़ी छोटी खबरें हम आपको सबसे पहले दे रहे हैं। धन्यवाद।